बस आराम से कुंडी नहीं लगी हुई तो हमने चुपचाप गेट खोला और अंदर आ गए। पेच कस मार के हटानी पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, ऐसे जहाँ मैं चल रहा हूँ ना वहीं चलना है। तो देखो जहाँ मेरा भाई कितनी स्पीड से लेके जा रहे हैं बताओ। ब्रेक लीवर है वो, मेरे हिसाब से टूट गया वो। अब की बार अगर बाइक गिरी तो पूरी टूट जाएगी क्योंकि सुने मेरी बाइक का अगला व्हील जाम है। देख अगला व्हील जाम हो गया ये देख। बड़े प्यार से निकालनी पड़ेगी भाई साहब, और बहुत ही निकले पत्थर हैं यहाँ भाई साहब, सब कुछ तोड़ दिया रेलिंग वगैरह। ये यो देख सड़क में गड्ढे हो गए, कड़ा जाम हो रहा है, भीतरती फंस रही है पूरे में बर्फ है, बर्फ दिखना आ रही है, लगता है दिखना आ रही है। सोनू और आगे, सोनू आगे है। राम राम जी सारा है। तो भाई आज तारीख है 23 जनवरी 2022 और अभी फिलहाल हम रुके हुए हैं होटलिंग में। होटलिंग में ये हैप्पी डब्ल्यू डी का रेस्ट हाउस और ये जितने भी आप शो देख रहे हो ना, ये तो भाई साहब कल रात को यहाँ कुछ भी नहीं था, रात को स्नोफॉल हुई है और रात को जो है ना बढ़िया मौसम ठंडा हो गया था। अब जो है ना जैसे कमरे में थे हम तो कमरे में ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन अब बाहर निकलने के बाद है ना अभी इतनी ठंड लग नहीं रही है। हैप्पी डब्ल्यू डी का जो रेस्ट हाउस है ना यहाँ पे आपको 200 रुपये पर पर्सन पड़ेगा और काफ़ी सस्ता भी है। इस टाइम अगर आप आकर पीछे रुकते जैसे ताबो हो गया, फिर आपका पीछे सुल्तो हो गया, तो वहाँ रुकने की बजाय आप यहाँ पर रुक सकते हो होर्लिंग में। ये हैप्पी डब्ल्यू डी का रेस्ट हाउस आपको इस टाइम जो है ना 1200 से कम कहीं नहीं मिलेगा, 1200 रुपये पर पर्सन। और बाकी अभी बाइक का हाल दिखा देता हूँ आपको, रेडल का हाल ये है। अभी देखें, अरे रुको तो देखते हैं कितना सेल्फ में स्टार्ट होती है। चलो हो गई पहली बारी में। क्या देखो जी पहली बारी में आपकी, पहली बार में ये एक टिम का जो है ना साफ कर दिया सब कुछ। जैसे अभी मेरी बाइक देख रहे हो ना आप, बिल्कुल यही हाल था, मतलब सभी बाइकों का यही हाल था। बच्चे ये भी साफ हो गई बर्फ, ये देखो गुरुजी ने मतलब सैडल बैग से जो वो बर्फ नहीं हटाई है, बाकी जो सीट वगैरह की हटा दी है। बाकी आगे देखो इसके ये इनफील्ड और ये स्प्लेंडर। तो अभी चल रही है तैयारी, बाइक पर सामान लोड हो रहा है, टाइम हो चुका है 10:30 के आसपास और बस निकलते हैं ऐसे 11 बजे निकल जाएंगे किसी भी हालत में, क्योंकि आगे हमें जो है ना कम से कम आज 70-80 किलोमीटर तो निकाल लें, क्योंकि ऐसी जो बर्फ है ना ये मतलब इस बर्फ में आप 70-80 किलोमीटर भी निकाल लो ना 100 किलोमीटर तो बहुत बड़ी बात है। तो चलो आज हम देखेंगे शायद स्पीलो रुकेंगे जहाँ पहले रुके थे। ये देखो भाई जो मेरी बोतल है ना सैडल बैग में थी, अंदर भाई सब बर्फ जम चुकी है। हो जा फोकस 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 भाई सब बर्फ जम चुकी है इसमें। क्या हाल हो चुका है बाइक का, ये पेचकस है ये देखो, यहाँ तक ये मडगार्ड है और इसके नीचे जो है ना ये बर्फ सारी पेचकस मार के हटानी पड़ रही है। ये देखो भाई साहब ये देखो आज ये अभी भी पानी है, ये देखो पानी है भाई साहब, ये देखो कितनी टाइट हो चुकी है यहाँ ये वाली। इसको उतारते हैं और फिर मिलता हूँ आपको आगे। तो भाई 12 बज चुके हैं पूरे, इन भाई साहब ने बातचीत करी थी मतलब यहाँ रहने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम शिवम है, मैं यहाँ पे एज ए जेई वर्क कर रहा हूँ स्पीति में पीडब्ल्यूडी में। तो रात को बीजे वगैरह आए थे तो ये हमारा रेस्ट हाउस इन लोगों ने हमने इनके लिए एक बुक किया था, तो हमने डॉर्मेट्री दिया था इनको 7 बेड। तो बाकी आप भैया से पूछे कैसा रहा कैसा नहीं रहा, मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़िया था, मतलब अच्छा था यार इस मौसम में, मतलब मिल जाए। भाई साहब हमने तो इनसे रिक्वेस्ट करी, जैसे हमने देखा बाहर से कुंडी नहीं लगी हुई तो हमने चुपचाप गेट खोला और अंदर आ गए। फिर हमने भैया से बोला भैया प्लीज ऐसे बात है बाइकर है और ऐसे से हमें चाहिए, कह रहे हाँ कोई दिक्कत नहीं है आपकी साइड आपकी बुकिंग हो रखी है कोई दिक्कत नहीं है हम आपको जरूर देंगे आप चलो हमारे साथ। फिर उन्होंने अलग अलग भी दिखाए, फिर उन्होंने बोला तुम सिंगल ले लो एक बड़े वाला उसमें तुम सब एडजस्ट हो जाओगे। उसमें भैया ने हमारे बहुत हेल्प करी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया का। बाकी देखो सुन दो या फिर आगे ताबो रुकने की जगह यहाँ रुक जाओ, हाँ ये बेस्ट है बिल्कुल। हाँ इस मौसम में तो देखो आपको हर जगह दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। और बाकी आप किसी भी टाइम आओगे गर्मियों में तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा आपका। बाकी ये जो बर्फ है ना अब जमनी चालू हो गई है, चलो ये देखो। चलो अब आपको मिलता हूँ मैं सीधा गोप्रो मोड पे या फिर चाय पे चर्चा करते हैं, ठीक है भाई जी।
ओके बुलेट वगैरह तो भाई साहब गंदी फिसल गई थी यहाँ पे, ये भी फिसल गई है। ओहो भाई साहब यहाँ तो पैर भी स्लिप हो रहे हैं। चलो जी शुक्र है, क्या हो गया? चलो जी यहाँ से तो बर्फ फट गई, ये तो शुक्र है। ओ भाई यहाँ देखते हैं जी किस बर्फ में चला के, ताजा बर्फ है ना। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसे पहली बार जब स्नोफॉल होती है और उसके बाद वो जब जाती है ना जब, और मान लो उसके बाद सेकंड टाइम जब स्नोफॉल होती है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे बर्फ़ जमी हुई है या नहीं, तो उस टाइम जो है ना बहुत ही रिस्की माहौल होता है। हाँ भाई गलत बात है, तो अभी तो शुरुआत है यार। हाल है। ओहो बर्फ बर्फ पूरी ब्लैक आइस है, शायद जी बनाई है। चलो ये देखो भाई साहब, तो इसका एक इलाज है, इसका एक इलाज ये है कि आप निकालो साइड से, यहाँ से निकालो आप। ये देखो जैसे मैं निकाल रहा हूँ ना, तो ऐसे थोड़ा सा मतलब रिस्क कम रहेगा आपका, यहाँ भी थोड़ा सा रिस्क है लेकिन ऊपर से ज़्यादा कम, मतलब ऊपर जितना रिस्क है ना उससे तो कम ही है यहाँ रिस्क। कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ध्यान से चलाना होगा। हमने तो बिल्कुल पैर ज़मीन पे ही रख रखे हैं इसीलिए। आ जाओ हाँ बिल्कुल, ऐसे जहाँ मैं चल रहा हूँ ना वहीं चलना है। ठीक है शेरे पंजाब घबराना नहीं, ऐसे ही चलना है आज। बाइकें अपने आप ही चल रही हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ गियर डाल रखा है पहला और पूरा क्लच दबा रखा है। जांगड़े भाई की मोटरसाइकिल कैसे लोड हुई हुई है, खतरनाक लोडिंग। जूते कही है, सैंडल कही है, इंजन ऑयल, लैपटॉप बैग, हे भगवान इतने सामान हो जा रहे हैं। भगवान ऐसा ही मिल जाए रोड हमारे को तो हमारे लिए शायद अच्छा होगा, काफ़ी किलोमीटर कवर कर देंगे अगर हमें रोड ऐसा ही मिलता है तो। बाकी जो प्रभु की इच्छा, जीवन में अगर मुश्किलें ही नहीं होंगी जिंदगी जीने का मज़ा क्या होगा। तो यार मुश्किलें भी होनी चाहिए लाइफ में, जब तक दिल की धड़कनें तेज ना हो जाएं वो जीना ही क्या, हमें तो यही पता है भाई। कोई भरोसा नहीं है एक सेकंड का भी, यहाँ कब गिर जाएं कि कपल लपंद हो जाए, ऐसा ही कुछ यहाँ चल रहा है फिलहाल अभी। क्या पता कब किस पल पे बाइक स्लिप हो और फटाक दिन इसी आदमी गिर जाए, लेकिन हम इसी के लिए बहुत वेल मेंटेन स्पीड रख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से कम ही रखते हैं। सेकंड गियर थर्ड गियर, सेकंड गियर थर्ड गियर, फर्स्ट गियर सेकंड गियर, ऐसे ज़्यादा चलाते हैं। और जहाँ ढलान आती है वहाँ तो फर्स्ट गियर में ही उतारते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारी बाइक पर ना हमारा कंट्रोल नहीं रहता, फिर तो वो स्लिप होती है, उसको फिर कोई नहीं रोक सकता स्लिप होने से। तो भाई ज़िंदगी जियो, मौज लो, रोज लो, बिल्कुल पैसे पैसे के पीछे मत भागो, खूब मस्ती करा करो, जब मौका मिले अपना घूम जाया करो पहाड़ा में, खुश रहा करो भाई। सारे कोशिश ये रहेगी कि वो कंटेंट दिखाएं जो शायद आपने यूट्यूब पे कभी देखा ना हो। अब इसको आप हमारे उल्टे काम भी कह सकते हो और जीता भी कह सकते हो। ओ तेरी की, ये यार कुदरत, मतलब मैं बता नहीं सकता क्या फील कर रहा हूँ। ओए होए होए होए, हे परमात्मा हर किसी को मौका दियो ये जिंदगी जीने का। भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया, लाजवाब। यहाँ पर थोड़ी कम स्लिप हो रही है, तो देखो जांगड़ा भाई कितनी स्पीड से लेके जा रहे हैं बता। साली हमें तो डर लग रहा है क्योंकि वो काफ़ी दिनों से चला रहे हैं, स्नो में भी उन्होंने बाइक चलाई है, वैसे भी उन्होंने बाइक चलाई है, तो उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे से ज़्यादा है शायद। हम तो कभी कभी टूर मारने वालों में से हैं, उनका तो भाई पैशन ही है, काम ही है। हे भगवान तेरी माया अपरंपार, मान गए जांगड़ा साहब मान गए, ये चीज़ें भी आपके साथ ही होनी थी, ये तो यार बहुत मुश्किल था। ओह शाबाश, देखा ये होते हैं पंगे, स्पीड कुछ नहीं है लेकिन मूवमेंट पे ध्यान रखना है आपने। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। एक बार फिर से हम गिर गए हैं, कोई बात नहीं,
अपनी बाइक अपने आप उठानी होती है। क्यों जी जागड़ा साहब शुरुआत? अबे यार मेरे में तो रिकॉर्ड है। हाँ मेरा कैमरा चालू रहता है भाई। घर वाले छो मांगे, रिवर क्रॉस कर रहे थे, रिवर क्रॉस करते करते वहाँ पर जो पत्थर थे रिवर में उनके ऊपर इतनी काई लगी हुई थी, पानी ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे मैंने बाइक उसमें डाली तो मेरी बाइक का अगला टायर उछल के और वो स्लिप हो गया और मैं वहाँ गिर गया। आराम से आराम से। ओ अरे आराम से कंटेंट मिल खड़ी करो एक मिनट एक मिनट। तो कह रहे तू उल्टे काम करता रहता है, यही काम है तेरे को, हैं तेरे को थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। अरे मैंने कहा मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं था कि गहरा पानी था डूब जाते वहाँ, ये तो चलता रहता लाइफ में। और हम सब चीज़ों के लिए हमें पता है यार, इतने दिन हो गए हमारे कुछ बाइकें चलाते, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, गिरने का भी स्टाइल होता है। अभी देखो कितने प्यार से गिरे, जब नहीं संभल रही तो बाइक को लिटा दो, और खाई में जाने से बढ़िया तो अपनी बाइक को लिटा दो। तो भाई यार ऐसी जगह हम आते क्यों हैं? इसीलिए तो आते हैं कि यहाँ पर नो की स्पीड से बाइक चलाएं और उसमें भी गिर जाए। हम यहाँ किस लिए आते हैं? हम नो की स्पीड पे बाइक चलाएं और उसमें भी गिर जाएं। ये देखो यहाँ भी गिरे हैं हमारे कोई ना कोई साथी, बिल्कुल गिरा गिरा कोई। हाँ मैं बता रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल गिरे हैं 100%। गुरुजी और वो तो सुनो आगे निकल गया, छिड़क गया बाइकर की स्किट, चोट तो नहीं लगी। अब बाइक बंद कर दिया, उठा लेता हूँ एक बार, फ्यूल वगैरह अंदर निकले इसका, बस ब्रेक लीवर है वो मेरे हिसाब से टूट गया वो, क्योंकि ब्रेक अच्छे से लग नहीं रहे, डैमेज हो गया ये ख़त्म है, और लेग गार्ड था ये भी मस गया भाई, टूट गया ये भी। अब की बार अगर बाइक गिरी तो पूरी टूट जाएगी, क्योंकि लेग गार्ड था जो वो भी अपना ख़राब हो गया। अरे बर्फ टायरों के बीच में, गुरु जी पीछे रुक रहे कहीं पर, और तो बाइक में कहीं पर नहीं लगी, टायर काफ़ी नुकसान हो गया साइड पे। यहाँ से बाइक स्किड करी थी ये, यहाँ से टायर स्लिप हुआ ही, और यहाँ पे मैंने पैर रखा था, फिर उस साइड जा रही थी बाइक खाई की साइड में, और मैंने फिर स्किट करते करते यहाँ पे गिराई, और यहाँ बाइक रुकी सर। काफ़ी रिस्क है राइड विंटर में भाई, बाइक के ऊपर तो ये रिस्क हैं बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप जा रहे हो विंटर स्पीति कहीं पे भी जहाँ पे स्नो आपको मिलेगी, तो अपना रिस्क देख के चलियो। लाइफ बार बार नहीं मिलेगी, एक चांस मिलेगा, राइड फील भी मिल जाएगी, तो अपना देख के अपनी ट्रिप प्लान करना। हमें कैसे पता चलेगा? कुछ ना कुछ सबूत होता है। सबूत है ना ये? हाँ ये हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। अब ये देखते हैं दैया साहब गिरे हैं या सोनू भाई गिरे हैं या आशीष भैया गिरे हैं। हाँ चलो चलने दो चलने दो। चलो वाह 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 बस है। दोस्तों जी ये हालत हो रखी है, पहला गियर है 10 की स्पीड है बस। ये देखो जी ये रुक रहे हमारे आगे दो साथी, सोनू की तय कितनी देर होगी रुके? अच्छा नू बताओ कौन कौन पड़ा पीछे ही है? आप पड़े थे दो जगह पड़े हैं, दोनों दो निशान आ रहे दोनों जगह के। स्प्लेंडर भी बढ़िया चलती है यार ये ओ तेरी की। वेल डन आवाज गूंज रही है यहाँ पे भयंकर। हाँ एक बार और रोक के बस आराम से, तो यहाँ भी मस्ती कर रहे हैं देखो लोग, जान बेचारी मुश्किल हो रही है, ये यहाँ पर मस्ती ले रहे हैं। चलेगी जब फर्स्ट गियर में तो एवरेज कहाँ से देगी? अबे क्या ड्रामा है ये।
अबे क्या ड्रामा है। सुने मेरी बाइक का अगला व्हील जाम है, देख अगला व्हील जाम हो गया ये देख, चल ही नहीं रहा, अब कैसे चलाऊं इसको, ये तो चल ही नहीं रहा है। ये देख व्हील को क्या हो गया भाई, ये तो अबे तो टायर ही नहीं घूम रहा, मेरा बिना घूम रहा था। आराम से आराम से आगे पीछे करूं, रुको रुको हाथ से करूंगा, रुको चलो। केटीएम का जो अगला व्हील है ना पूरा जाम हो गया था, जाम हो गया, अंदर बर्फ फंसी हुई अभी भी। ये देखो कितनी बर्फ है, अबे चल रहा है टायर नहीं चल रहा, देख ये देख ये देख ये देख क्या हो रहा है, चल गया चल गया चल गया चला है, अभी तो दोबारा जाम हो गए साला, आधी बार तो यही गिरा रहा मुझे। हां ये देखो मेरा भी ट्रक हो चुका पूरा ये, वाह क्या करा जाए इसका, क्या कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं इसका, रुक जाओ। वैसे अभी सब ठीक ठाक उतर गए नीचे तक, बस एक एक दो दो बार गिरे हैं, उसमें क्या होता है, क्या दिक्कत आ रही है। हेलो यूवी कैसन हो, दोबारे आओगे? चल कोई नहीं, अब तेरे को वापस ले जाने का तो हमने ले रखा था ना ठेका, क्यों चिंता कर रहा है, जैसा तेरे को लाए थे लंगड़ा लूला वैसा ही तेरे को वापस ले जाएंगे। जिधर तू तेरे इधर चलता हूँ मैं, थोड़ी भी हरकत करेगा इधर को टक्कर मार दूंगा उधर पहाड़ की तरफ। यहाँ पर हमने समोसे खाए थे, चाय पी थी। यार वो ये लोग रुके क्यों नहीं यहाँ पर, ये लोग रुके क्यों नहीं यहाँ पर, समोसे खा लेते हैं एक दो दो। ओहो आज बंद है इसलिए नहीं रुके। समोसे 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 बंद है, अभी तो एंट्री करानी पड़ेगी। हाँ भाई लिखवा दे रहे, अरे एक दो मिनट के अंदर फ्रंट टायर जाम। अरे लात मारे यहाँ पर जाएगी ना, बड़ा मेरे कार्ड का मार खाते हैं यहाँ पड़ेगी। हाँ नेक पुत्र का पाचे दाब लो, पाचे ना खड़े हो जाओ पड़ सकेगा। निकल गया बहुत रात मारी। ये देखो भाई साहब ये क्या, दो दिन पहले यहाँ पे क्या हुआ है, हम दो दिन पहले यहाँ से गुजरे थे, और ये देखो जी भाई साहब हम खतरनाक है। ओहो हो हो बड़े प्यार से निकालनी पड़ेगी भाई साहब, और बहुत ही नुकीले पत्थर हैं यहाँ। ओहो आराम से भाई आराम, चलो जी हाँ। एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं तो, अभी बाइक निकाली रात हुआ हुआ। हाँ ये देखो भाई साहब ये पूरा जो पहाड़ है, क्या बात है जी खतरनाक। चलो जी चलो 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 आजा भैया आजा जल्दी फटाफट। हाँ उस साइड से आइए उस साइड। हाँ ये हाँ मोरनी लिकट ले साइड साइड तू, मतलब टाइम का कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए, भाई साहब सब कुछ तोड़ दिया रेलिंग वगैरह ये। ओ ये देखो जी ये देख सड़क में गड्ढे हो गए, सड़क में गड्ढे
सड़क में गड्ढे हो गए गड्ढे ये रे, ये देखो जी, ये देखो रे। हाँ 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 गया गाड़ी ट्रक कुछ भी हो। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ यो जो आ रहा जो कई जगह होंगे ये ऐसी। चलो जी अच्छा सोनू लिखा हुआ है। हाँ यहाँ गिरा होगा जरूर है, पक्का गिरा। चलो आराम आराम से। तो भाई देखो इसका जो टायर है ना अगला जो जाम हो चुका है, ये देखो, ये देखो कितनी बर्फ है, थोड़ा जूम कर दिया, ये देखो कड़ा जाम हो रहा है, पितरती फस रही है पूरे में बर्फ बर्फ दिखलना आ रही है, लगता ये दिखलना आ रही है, वो भी टूट गया। हो गया हो गया हो गया। चलो ये देखो जी एक लैंडस्लाइड और उत्तराखंड के जो पहाड़ है ना उनसे भी खतरनाक है बस की। भाई साहब अभी जो है ना हल्का हल्का जो मौसम है ना गर्म हो गया है, तभी जो आप ये देख रहे हो ना रोड गीला है, ये बर्फ पिघल रही है, इसका मतलब मौसम यहाँ पे पीछे के मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्म है पीछे के मुकाबले। अरे देखो अगर पैर पैर में से ना आवाज़ आ रही है जो मडगार्ड के अंदर है ना बर्फ़ फंस गई है और वो दम चुकी है, तो ये उसकी आवाज़ आ रही है पैर में से। अभी आपको दिखाएंगे बर्फ कैसे जमती है मडगार्ड में, किसी भाई का एक्सपीरियंस नहीं, अगर किसी भाई का एक्सपीरियंस नहीं है ना तो उसको करवा देंगे, बैठे बैठे आप घर बैठे बैठे देख सकते हो। चलो जी अब आपको मिलता हूँ तो बस आगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये देखो जी 4x4 20 सुजुकी की है ये देखो कैसे जाती है बर्फ में, ऐसे बिल्कुल एकदम सफ़ेद हो चुका है रोड और साथ साथ में चढ़ाई भी है यहाँ पे। तो ये देखो मैं आपको बता रहा था मतलब कम फिसलन वाली जगह से निकालना है ना, तो उसका एक मतलब ये है जैसे अभी मैं चला रहा हूँ ना ये है मोटी यहाँ पे बर्फ मतलब स्नोफॉल ताज़ी स्नोफॉल है, तो इस पर आप चलाओगे ना तो आपको जो फिसलने का डर है ना वो कम हो जाएगा, यहाँ पर जो बाइक का टायर है गाड़ी वगैरह का वो कम। और ये देखो जी सोनू ने मतलब सोनू आगे चल रहा है ना तो उसने एरो दे रखा अपना नाम लिख रखा है सोनू और आगे सोनू आगे है। वाह भाई वाह। चलो जी वाह। तो ये देखो यहाँ पे आपकी जो बाइक है मतलब कैसे भी टायर हो यहाँ पे इतना ज़्यादा स्लिप नहीं करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों ने, अगर बीच में चलाओगे तो बीच में टायर स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। भाई साहब मैं रह गया सबसे पीछे, अब सारे बंदे आ गए प्यार से, अगर यहाँ पे आपको ब्रेक भी लगाने तो आप लगा सकते हो बड़े प्यार से और कोशिश करना कि ब्रेक मत लगाओ, क्योंकि अगर आपको बाइक रोकनी है ना तो गियर डाउन कर दो सीधा सीधा। ये देखो जी ये ऊपर से यहाँ से ये पत्थर, भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है यार, विंटर में तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो एक तो बर्फ़ ऊपर से ये लैंडस्लाइड है।